मैं उनसे सारी जिंदगी इस कदर खौफजदा रही कि कभी सच ना कह सकी। फिर मुझे आप मिल गए सर, मैं आपसे भी डरी डरी सी रहने लगी, आपसे भी कभी पूरा सच ना कह सकी। किस कदर तेज तेज खुशबुएं आ रही हैं। सुनो सुनो ममिना, कैसे कैसे पर फड़फड़ा रहे हैं। सुनो सुनो, ये विशाल की घड़ी की सनसनाहट है। समंदर समंदर ऊपर बढ़ रहा है। मर्द को खुदा से विसाल का शौक रोज़े अज़ल से रहा है सर, लेकिन हम औरतें क्या करें, किधर जाएं, किस दीवार से सर फोड़ें, किसका सहारा पकड़ें। हमको तो इसी दुनिया में किसी के ख्याल में किसी के तसव्वुर के बाजुओं में दफन हो जाना है, और हमें वो मरकत भी नसीब नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊं सर कि मेरे और अदील के दरमियान वो अंधा शीशा कौन है। मत बोलो, बात मत करो, मुझे निसार होने दो। आपको क्या पता सर कि औरत की जात पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है, रोज़े अज़ल से लेकर उसको मर्द के रूप में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। मर्द की मोहब्बत और मर्द का इश्क खुदा ने सिर्फ अपनी जात के लिए मखसूस कर रखा है। मर्द काफर हो, तहरिया हो, ना फरमान हो, ना मानने वाला हो, उसके अंदर तारीख तरीन गोशों में एक रोशन डॉट जरूर मौजूद रहता है, जो एक बड़े नूर में गुम होने के लिए वाइब्रेट करता रहता है। मर्द को मालूम हो ना हो, एहसास हो ना हो, ख्याल हो ना हो, उसका दिल अपने महबूब के लिए धड़कता रहता है। वो जिस जन्नत से निकला था सर, आज तक उस जन्नत के मालिक की हजूरी में सरगर्दा है। जंगे लड़ता है सर, इजादे करता है, खून बहाता है, उत बनाता है, शेर लिखता है, शिकार खेलता है, लेकिन उसके अंदर एक ही महबूब का तुंगा बजता है। वो सुने ना सुने, जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, लेकिन उसका तार उधर ही खड़कता रहता है। लेकिन हम क्या करें, हम औरतें किधर जाएं, हम उस बेवफा धोखेबाज मकार फरेबी से दिल क्यों लगाएं सर, जो हमें आखिरी वक्त में छोड़कर अलग हो जाता है। मैं आपको क्या बताऊं सर कि वो कौन है जो मुझे अदील के पास जाने नहीं देता, वो कौन है जिसने मेरी राह रोक रखी है, वो कौन है जिसने मुझे कैद कर रखा है। नो 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 नो।
मैंने चाहा आंसुओं की बारिश से दिल का सहन धुल जाए, एक दर तो खुल जाए, तीरगी सिमट जाए, रोशनी सी हो जाए। मैंने धोया मलमल के आंसुओं में चल चल के, पर मेरे घरौंदे की सीली सीली ईंटों से तेरी बास चिमटी है, खिड़कियों के पर्दों से तेरी महक आती है, झिलमिलाती जाती है, गुनगुनाती जाती है, अपने खानाए दिल को कैसे मांझे से मांझू, कौन से डिटर्जेंट से आंगनाई को खुरचू, ताकि सहन खाने का सारा फर्श धुल जाए। माजी तमन्नाई हाल बन के खिल जाए। पता है बीबी, ये बिद्दत है जो आप कर रही हैं। पता है बीबा, पता है। और यही बिद्दत आदमी को शिर्क तक ले जाती है। ठीक है वीरा, ठीक है, पर हम लोग कहाँ जाएं? किसी दीवार के साथ सर टकराएं? क्यों बीबी, क्यों? सुधीर मेरा, तुम जैसे बेबिद्दती लोग अल्लाह के प्यारे, उच्चे मरातबे वाले, उच्चे तालुका वाले, एक दूजे के सहारे, तुम लोगों को क्या परवाह है? हम लोगों के पास लादे की कोई तो सहारा है, एक दीवे का, छटाकी भर तेल का, एक हरी चादर का, दो बासी हारों का। तुम ये भी खोना चाहते हो तो ये भी खोलो, तुम ये भी टाना चाहते हो तो ये भी टालो। पर जीत मेरा है तो ये बिद्दत, लेकिन जब तक तुम हमें अपने साथ नहीं मिलाओगे, अपना परंपरा नहीं समझोगे, उस वक्त तक हम बदनसीबों को इसी बिद्दत के सहारे रह लेने दो। अल्लाह तुम लोगों का पला करे दो जहां में अपने नबी के सदके में। मेरा ये मतलब नहीं था बीबी। वीर मेरा, जब एक मुसलमान अपने मजलूम बहन भाई को, अपने मजबूर बहन भाई को, गरीब बहन भाई को अपना नहीं समझता, तो उसको बिद्दत और शिर्क का ताना देके तो धक्का दे सकता है। वीर मेरा, वो भी बेचारा कब तक दूसरे का बोझ उठाए। ये हालत है हमारी कौम, और यहाँ तक आप पहुंचे जहालत की बीमारी।